तो व्हाट्स अप गाइस, आज हम ट्राई करने वाले हैं माइनक्राफ्ट के कुछ ऐसे मिथ्स जिसके अंदर लिटरली हम अनब्रेकेबल चीज़ों को तोड़ सकते हैं। क्या ये मिथ होगा या फिर ये मिथ बस्टेड है, ये आज हम देखने वाले हैं। तो वीडियो में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगने वाली है। जल्द फटाक से लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं, अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। क्या पता चले कि इंट्रो में ही वीडियो ख़त्म हो जाए। तो चलिए, पहला मिथ है हमारा एंड पोर्टल फ्रेम के साथ। एंड पोर्टल फ्रेम आ चुका है, ठीक है। अभी ट्रैप डोर हाँ, हमें एक पिस्टन चाहिए होगा। पिस्तौल, ठीक है। और हाँ, हमें एक रेडस्टोन ब्लॉक भी तो चाहिए। ये रहा रेडस्टोन ब्लॉक, जो जैसे मुझे एक एंड पोर्टल बनाना है, ठीक है। तो ये जो है सर्वाइवल वाला मिथ है, मेरे से ऐसे लग जाता है गलत, ठीक है। और जैसे कि मेरे पास अभी ना इतने एंड पोर्टल फ्रेम है जैसे मेरे पास, तो मेरे को तोड़ना है। तो पहले मैं यहाँ पर ट्रैप डोर लगाऊंगा, उसके बाद में मैं यहाँ पर एक पिस्टन लगाऊंगा, यहाँ पर नहीं ठीक है, यहाँ पर एक पिस्टन लगाना है हमें, यहाँ पर। अरे ऐसे नहीं, ठीक है, ऐसे करना है। उसके बाद में अगर मैं पीछे रेडस्टोन का ब्लॉक लगा दूं तो ये नहीं हो रहा, तो गाइस हमारा ये मिथ बस्टेड है। और अगर मैं ट्रैप डोर ही तोड़ दूं तो एक खुद का मिथ ट्राई करें क्या? माय एनिमी शी गॉट द विजन। उसके लिए हमें दोबारा से क्रिएटिव में जाना होगा। एक सिंपल सा वे बना दो ना माइनक्राफ्ट वाले कंप्यूटर की तरह, ठीक है। तो क्या हम एक स्टिकी पिस्टन से हम क्या एंड पोर्टल फ्रेम को खींच सकते हैं? आज हमें पता चलने वाला है। भीम देखो, ये मिथ भी बस्टेड है। तब ना नेक्स्ट मिथ है कि अगर हम, तो ये मिथ है बस्टेड सैंड। बेडरॉक और एक
रेडस्टोन टॉर्च खोलो। ये एक बेडरॉक मुझे यहाँ पर लगाना है, इसके मुझे यहाँ पर रेडस्टोन टॉर्च लगानी है, ठीक है। और इस रेडस्टोन टॉर्च के ऊपर ये काम ही नहीं करता, भाई काम ही नहीं करता। लगा यहाँ पर अभी एक एंडविल चाहिए होगा। एनविल की स्पेलिंग क्या होती है? एनविल, एनविल, मैं इसको एनविल बोलता हूँ, ठीक है। और अभी हमें चाहिए एक नेदराइट की पिकैक्स। अरे यार नेदराइट की पिकैक्स, अब उसके ऊपर मुझे सिल्क टच और एफिशिएंसी 5। अगर मैं ये दोनों यहाँ पर डाल दूंगा और फिर अगर मैं सैंड को तोड़ने की कोशिश करूँगा, सॉरी सैंड को नहीं, और अभी अगर मैं बेडरॉक को तोड़ने की कोशिश करूँगा, सर्वाइवल में होना था, छोड़ दो और सर मैं हो जाओ, ठीक है। और अभी मुझे इस बेडरॉक को ना तोड़ देना, या फिर ये किसको तोड़ना था? हाँ अरे एक चुप हो, तो हम इसको सर्वाइवल में भी ट्राई करने वाले हैं। तो ये मिथ है बस के। और हाँ अब मुझे पता चला कि जो एंड पोर्टल फ्रेम होता है ना, उसके अंदर ना एक ट्रैप डोर जितनी जगह होती है। तो गाइस क्यों ना कमांड से खुद को छोटा कर लिया जाए। फ्लैश स्मॉल, फ्लैश स्मॉल, भाई मेरे पास ना फ्लेम छोड़ दिया है।
इधर है वो अपना एरिया वो तो इस वाले मिथ के लिए मेरे को चेस्ट चाहिए होगी। आग नहीं लगाते होते साहब। अब इसके नीचे एक चेस्ट। ये तो ट्रैप्ड चेस्ट है। हमें चेस्ट ट्रैप्ड हो गया। ठीक है। और अगर अभी मैं सर्वाइवल में जाऊं और इस रेड स्टोन टॉर्च को मिथ बस्टेड माइनक्राफ्ट मेरा कुछ भी तोड़ सकता हूँ, पर ये चीज, ये काली काली चीज है ना, इसको नहीं तोड़ सकता। पता नहीं क्यों, शायद हम वॉइड में गिर जाए। अरे इसको तोड़ने के लिए कोई एशियंट पिक नेक्स्ट मिथ है, उसकी तरफ चलते चलते हैं, क्रिएटिव में जाते हैं। बेडरॉक हमारे पास है ही, हमें बस चाहिए एक पिस्टन, यार पिस्टन और नेदर। फटक से सारा सामान नीचे निकालते हैं। Thank you.
दादी मुझे भी एक व्लॉग बनानी पड़ेगी। हेड स्कूल टूटा पहले मुझे ये इधर रखना होता है, फिर मुझे शायद इसको इधर रखना पड़ता है, इसको एक पे ठीक है, फिर इस फिर यहाँ पर इसको ऐसे हो गया, यहाँ पर इसको ऐसे रखना, मुझे शायद ऐसे रखना पड़ता है ठीक है, इसको भी एक पॉइंट, फिर यहाँ पर इसको ऐसे होता है, फिर यहाँ पर रेड स्टोन रिपीटर, फिर रेड स्टोन यहाँ पर ऐसा रखना होता है, इस पर ऐसा रखना होता है, ऐसे कर देना होता है, और बाद में एक रेड स्टोन टॉर्च चाहिए होती है, शायद इसको यहाँ पर लगाते ही क्लॉक स्टार्ट हो जाएगा, नहीं चाहिए यार। तो ये मिथ भी हमारा बस स्टैंड है, और यहाँ पर सारे आ गए, ऐसे तो नहीं मरने वाले, कमांड को यूज स्लैश किल एंट्री डॉट एक्सपेंसिव और
गॉड प्लेयर कैन नॉट किल्ड व्हाइल दे आर क्रिएटिव मोड वंडर ट्रेडर skeleton only sheep which killed an arrow bone rotten flesh dart pinned chicken feather dart expensive orb dart भाई क्या है भाई डर्ट भी मरती है क्या तो आज के सारे मिथ बस्टेड हुए हैं भाई साले सारे के सारे मोड की हेल्प लेते हैं मेरा मन तो कर रहा है यार अभी मेरे को आ रहा है भयंकर वाला तो साले हेलमेट पहन के मेरे को ना भी चढ़ रहा है तगड़े वाला गुस्सा चल निकल और चल निकल तू नहीं अब निकलेगा अभी भी नहीं इतनी सारे आओ अब जो भी आ जाओ इतना गुस्सा तो गाइस आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं मैं तो इस काम को थोड़ी देर के और करने वाला हूँ मैं ये काम थोड़ी देर और करने वाला हूँ
तो गाइस तब तक के लिए बाय बाय।